बड़े खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। इसमें आपको बता दें, हरियाणा की 9 सीटों को लेकर बैठक में चर्चा की गई, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसमें एक सीट जो है कुरुक्षेत्र की वो आम आदमी पार्टी को दी गई है। तो बाकी बची सभी 9 सीटों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। कई सीटों पर पैनल तैयार कर लिया गया है, ये अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही है, और कई पर अभी विचार किया जा रहा है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। और आपको बता दें कि कांग्रेस के जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो भी इसमें मौजूद रहे हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी संवाददाता दिल्ली से। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर आपके पास, जानकारी दे विस्तार से। जी बिल्कुल, मैंने आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, कुल 3 राज्यों को लेकर बातचीत हुई है, चर्चाएं हुई है दिल्ली और हरियाणा की। अगर हरियाणा की हम बात करते हैं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि कुल 10 सीटें हैं जिसमें से एक पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी कुरुक्षेत्र से, तो बाकी जो अन्य 9 सीटें बची है उसको लेकर चर्चाएं की गई है। सूत्रों की माने तो कई सीटों पर पैनल तैयार कर किए जा चुके हैं, सभी पर विचार किया गया है। अब चूंकि जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो सीईसी की बैठक में ली जाएगी, सीईसी में यानी जो 7 मार्च को होने वाली है, सीईसी की बैठक होने वाली है कांग्रेस की राजधानी दिल्ली में। अगर सूत्रों की माने तो फरीदाबाद लोकसभा से जो पैनल में टॉप है विजय प्रताप सिंह और करण दलाल के नाम को लेकर के चर्चाएं की जा रही है। अंबाला लोकसभा सीट की बात करते हैं तो कुमारी सैजा और वरुण चौधरी मुकाबले में है। उन सूत्रों की माने तो सिरसा लोकसभा सीट से विधायक शीशपाल केहरवाल और जनरल सिंह के नाम पर चर्चा की जा रही है। सोनीपत और हिसार से देखिए, सोनीपत और हिसार से विनय जाट और नॉन जाट उम्मीदवारों की जो दावेदारी को फैसला लेना बाकी है उस पर ये फैसला किया जाएगा। साथ ही अगर करनाल की बात करें तो करनाल के पूर्व स्पीकर जो हरियाणा के पूर्व स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा, उनके परिवार में बहुत मजबूती की दावेदारी है, उन चीजों को लेकर चर्चाएं की गई है, चर्चा हो रही है। साथ ही महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से श्रुति चौधरी और रावदान सिंह के नाम की जो चर्चा हुई है पैनल को लेकर। साथ ही अगर गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करते हैं तो वहां पे कार्यकारी जो अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज का नाम पैनल में शामिल किया गया है। ये सब सूत्रों के हवाले से ये सब खबर सामने आई है। अब रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा का नाम सामने आया है। तो विनय, ये जो चर्चाएं हुई है सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की गई है, पैनल बनाए गए हैं, पैनल में 2 से 3 नाम डाले गए हैं। अब कौन लोकसभा चुनाव किस सीट से लड़ेगा इसका फाइनल डिसीजन तो आला कमान करेंगे, यानी सीईसी की जब बैठक होगी 7 मार्च को शाम के करीब 6 बजे शुरू होने वाली है राजधानी दिल्ली में, तभी इस पर डिसीजन लिया जाएगा। विनय, चलिए बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अपराजिता। तो लगभग ये माना जा रहा है कि ये 9 सीट जो हैं जो कांग्रेस के हिस्से में आई हैं हरियाणा में लोकसभा की, उनमें ज्यादातर सीटों को लेकर चर्चा हो गई है और पैनल भी तैयार हो गया है और कई सीटों पर अभी विचार चल रहा है। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें मंथन किया गया है और मंथन करने के बाद ये माना जा रहा है कि एक पैनल तैयार कर लिया गया है और इस पैनल में कई सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं, विजय प्रताप सिंह और करण दलाल इनका पैनल में नाम फरीदाबाद से सामने आ रहा है। अंबाला की अगर बात करें तो कुमारी शैलजा और वरुण चौधरी का नाम सामने आ रहा है पैनल में। सिरसा की अगर आप बात करेंगे तो शीशपाल केहरवाला और जर्नेल सिंह का नाम सामने आया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किन किन सीटों को लेकर पैनल लगभग तैयार हो चुका है। रोहतक की अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम तय माना जा रहा है। उधर करनाल की अगर आप बात करेंगे तो कुलदीप शर्मा के परिवार की दावेदारी इस पे बताई जा रही है। गुरुग्राम से जितेंद्र भारद्वाज, तो ये जो सीटें हैं इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी, श्रुति चौधरी और राव दान सिंह का नाम बताया जा रहा है कि पैनल में दे दिया गया है।